आज आपके लिए रियलमी C2 मोबाइल लाए हैं। इसमें आपने प्रॉब्लम देख लिया कि इसका जो चार्जिंग मिरर का प्रॉब्लम है, ये देखो, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि इस टाइप की प्रॉब्लम को हम किस तरीके से फिक्स कर सकते हैं और कहाँ कहाँ से प्रॉब्लम आ सकता है, हम इस चीज़ को देखेंगे। ओके, चलो इसमें वो भी थोड़ा सा डिले दिखा रहा है, मतलब लगाते ही चार्जर नहीं दिखा रहा, स्टार्टिंग में चार्जर दिखा के फिर से एरर दिखाता है। देखते हैं इसको हम किस तरीके से इसका कहने जो है फिक्स कर सकते हैं और कहाँ कहाँ से प्रॉब्लम आता है उसको भी मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। किसी दुकानदार से आया है, उन्होंने कहा है बैटरी चेंज कर चुके हैं, चार्जिंग फ्लेक्स नीचे का चार्जिंग सब पीसीबी सब कुछ चेंज कर चुके हैं लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है। तो हम लाइन ढूंढने की कोशिश करते हैं। ओके, चलो इसी चीज़ को मैं आपको स्कीमेटिक के थ्रू भी समझाऊंगा। ओके, तो स्कीमेटिक में हम कहाँ पे क्या देखना है और किस तरीके से देखना है, ठीक है, वो सारा कुछ आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा। तो पहले तो किसी ने छेड़खानी कर चुके हैं, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो देखो कंडीशन यहाँ पे आप देख सकते हो। तो कोशिश करते हैं हम कुछ अच्छा कर सकें, ओके, आपको सरल तरीक़ा से समझा सकें। ओके, तो चलो 1.2 वोल्टेज और 1.8 वोल्टेज तो प्रॉपर आ रहे हैं, यहाँ पे देखो ठीक है, ऐसा कुछ डाउट तो नहीं लग रहा। फिर भी मैं आपको लाइन डिटेल दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, आपको किस तरीके से और कहाँ से देखना चाहिए। ये हमारा स्कीमेटिक है, ठीक है, बैटरी कनेक्टर की। यहाँ पे देखो एक VIO 1.8 की वोल्टेज की लाइन आ रही है एक रजिस्टर के थ्रू, ठीक है, ID लाइन के लिए, और यहाँ पे ये थर्मल लाइन के लिए। ओके, दो लाइनें हैं और यहाँ पे भी सिमिलर कंडीशन है अगर आप देखोगे तो, ठीक है। चलो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पे आपका रजिस्टर का, ठीक है, कौन सी वैल्यू की रजिस्टर लगी हुई है, वो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है आपको उस चीज़ को। देखो कभी भी आप इस टाइप का काम करते हो तो आपको वैल्यू पता होना ज़रूरी है, ठीक है, कितनी वैल्यू की लगी हुई है और कितना वोल्टेज आना चाहिए। ओके, तो देखते हैं। तो ठीक है, वोल्टेज में 1.8 ठीक है, एक सेकेंड, आपको प्रॉपर नहीं दिखा लग रहा है। चलो यहाँ पे मैं आपको डायोड वैल्यू दिखा देता हूँ, थोड़ा गौर से देख लीजिएगा, और इनकी मैं रेजिस्टेंस भी दिखाऊंगा कि कितना है और कितना होना चाहिए। देखो अगर इसकी रेजिस्टेंस की बात करें, एक सेकेंड, चलो देखो अगर इसकी रेजिस्टेंस की बात करें तो ये 100 किलो ओम है
और इसकी बात करें 1 किलो ओम है और इसकी बात करें 100 किलो ओम है। और ये 1 किलो ओम और ये 16.08 किलो ओम यानी कि 16 किलो ओम की है। तो जो स्कीमेटिक में देख रखा दिखा रखा है वो एक्यूरेट है, इसमें कोई गड़बड़ वाली कहानी नहीं है। किसी भी रजिस्टर का वैल्यू फ्लैक्चुएट नहीं है, सारा कुछ ओके, यानी कि वोल्टेज ओके है, डायोड वैल्यू ओके है, रजिस्टर की जो वैल्यू होना चाहिए थी वो ओके है, फिर भी क्यों आ रहा है। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया और इसमें आपको मैं दिखाता हूँ प्रॉब्लम किस में था। देखो, जैसे मैंने इसमें नया डिस्प्ले लगा रहा हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, बहुत बंदे इसमें फंस जाते हैं। ये देखो, डिस्प्ले को स्लिप होने दे दिया हमने, अब फिर से वॉक, देखो अभी मैं इसको पावर बटन या कुछ दबा के देखूंगा, फिर भी है एम्पियर प्रॉपर है, 1.1 एम्पियर, अभी तक कुछ फ्लैक्चुएट नहीं हुआ है, 1.3 एम्पियर, ओके, डिस्प्ले चार्जिंग एम्पियर प्रॉपर है। और यहाँ पे अगर मैं आपको डिस्प्ले लाइट दिखाऊं, एक सेकंड, बटन कहाँ गया, एक सेकंड, ये देखो, मतलब अभी तक इसका चार्जिंग साइन नहीं गया। ठीक है, और एम्पियर भी प्रॉपर है। तो अब कहानी यहाँ पे आती है कि इश्यू चार्जिंग का एरर का है, लेकिन डिस्प्ले में कहाँ से आ गया। ठीक है, इसके लिए आपको लाइन डिटेल जानना ज़रूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट। और बहुत ज़्यादा बंदे इस चीज़ में फंस जाते हैं। ठीक है, कि सारा कुछ चेंज कर लेते हैं, लाइन ओके होता है, सारा कुछ ओके होता है, फिर भी आपका दिक्कत आ जाता है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम बहुत कम देखने को मिलता है, और अगर प्रॉब्लम आ जाता है तो रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको व्यू जानना ज़रूरी है, इसका स्कीमेटिक समझना ज़रूरी है। ठीक है, जब तक इस चीज़ को आप नहीं समझोगे तब तक आपका जो प्रॉब्लम जो है वो फिक्स नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारा अभी, ये देखो आपको मैं इसमें दिखा देता हूँ, उसी का डिस्प्ले, पुराना डिस्प्ले जोड़ के आपको मैं दिखा देता हूँ अभी भी। ये देखो, इसका पुराना डिस्प्ले जोड़ के अभी भी चार्जिंग एरर है, और इसी में मैं आपको नया डिस्प्ले डाल के दिखाता हूँ। ये देखो, मैंने जैसे नया डिस्प्ले लगाया और ये लगा देता हूँ चार्जिंग, एक सेकेंड, चलो ये देखो चार्जिंग साइन दिखाया और चार्जिंग भी हो गया। ठीक है, और डिस्प्ले को, डिस्प्ले डिम भी हो गई। मैं अब देखो आपको मैं पावर की प्रेस करके भी दिखा देता हूँ। और ये देखो अभी तक भी चार्जिंग लोगो है। ठीक है, ओके, आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर देना, अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।